हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को क्लास 9th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोग एकदम बेसिक से इसे पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है। देखिए चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इसको हम लोग इंग्लिश में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। देखिए इस चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है कोशिका। कोशिका को हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं। देखिए कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका जो होती है यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिकाओं से ही मिलकर क्या हमारी शरीर बनती है। देखिए मान लीजिए जैसे कोशिका है, कोशिकाओं से ही मिलकर क्या ऊतक बनता है। ऊतक से ही मिलकर क्या अंग बनता है। अंग से मिलकर क्या अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र मिलके हमारी एक शरीर बनती है। और देखिए हम लोग समझ लीजिए जैसे हमारा अगर मान लीजिए घर बन रहा है, तो हमारा जब घर बनता है तो पहले उसमें क्या नींव डाली जाती है। उसके बाद जो बीम होता है उसको क्या डाला जाता है। फिर उसके बाद दीवार तैयार की जाती है। फिर उसके बाद क्या छत छत का निर्माण कर दिया जाता है। तो हमारा एक क्या है घर बनता है, वैसे ही हमारे शरीर में होता है। देखिए कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए कोशिका कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का जो अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए अब देखिए कोशिका जो है, कोशिका मनुष्य तथा पादप के शरीर की मूलभूत इकाई है। जो कोशिका है मनुष्य मतलब हम लोग हो गए, पादप मतलब जन मतलब पेड़ पौधे हो गए। जो पादप है पादप मतलब पेड़ पौधे हो गए। कोशिका जो है मनुष्य और पादप के शरीर की मूलभूत इकाई है। अगली पॉइंट देखिए, कोशिका मनुष्य तथा पादप के शरीर की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। जो हमारी कोशिका है हमारे शरीर की क्या है क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक मतलब क्रिया मतलब क्रियात्मक मतलब समझ लीजिए क्रिया करना। ये हमारे शरीर में क्या क्रिया करती है जो कोशिका है। आगे देखिए कई प्रकार की कोशिकाएं, जो कई प्रकार की कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार की अनेकों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए और देखिए जो कोशिका है, कोशिका की खोज किसने की है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है 1665 में। और रॉबर्ट हुक ने क्या मृत्यु कोशिका की खोज की है। और जीवित कोशिका की खोज हमारे क्या एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी ने किया है। कब किया है 1674 ईस्वी में किया है। फिर देखिए केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। जो केंद्रक है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। कब किया है 1831 ईस्वी में किया है। इतना हम लोग को पता चल गया। आप देखिए जैसे हमारे कई प्रकार के मनुष्य के शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम लोग उन कोशिकाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पहला क्या है मस्तिष्क कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग ब्रेन सेल कहते हैं। देखिए जो ब्रेन सेल होती है तंत्रिका कोशिका नर्वस से बना होता है। हमारी जो तंत्रिका है हमारी मस्तिष्क कोशिका होती है यह तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी होती है। और अगला देखिए वृक्क कोशिका को इंग्लिश में किडनी सेल कहते हैं। जो हमारी किडनी सेल है यह नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। अगला देखिए यकृत कोशिका को हम लोग इंग्लिश में लीवर सेल कहते हैं। अब देखिए लीवर सेल जो होता है यह हमारे हिपैटिक कोशिका से मिलकर बनी होती है। देखिए हम लोग को इतना पता चल गया। अब देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यह हमारा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, जो संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है उसे क्या उसे हम लोग क्या कहते हैं। जो संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। फिर देखिए संसार की सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका क्या है जीवाणु है। जीवाणु
जीवाणु का नाम, उस जीवाणु का नाम क्या है, देखिए, माइकोप्लाज्मा गैलिस पैटिकम, उसका उस जीवाणु का नाम है। अब देखिए, जो अब हमारी मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं, मनुष्य के शरीर की मतलब हम लोग के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी मतलब लंबी कोशिकाएं, देखिए देखिए क्या है, तंत्रिका कोशिका। जी, तंत्रिका कोशिका किसमें पाया जाता है, न्यूरॉन में तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। अब देखिए अगली पॉइंट, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी संख्या, ए सबसे छोटी कोशिका, सॉरी, देखिए मनुष्य मतलब ह्यूमन हो गए, ह्यूमन में दो, एक स्त्री होते हैं एक पुरुष होते हैं, मतलब एक मेल होते हैं एक फीमेल होते हैं। मेल में देखिए, मेल में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, मेल में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, जिसको हिंदी में हम लोग शुक्राणु कहते हैं। फीमेल में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, देखिए फीमेल में सबसे छोटी कोशिका एक सेल होता है, एक सेल को हम लोग क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, ओवम को हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं, और इसको हिंदी में हम लोग अंडाणु कहते हैं। और जो फीमेल होते हैं मतलब स्त्री जो होती हैं, उनकी सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, अंडाणु होती है, इतना हम लोग को पता चल गया। अब देखिए आगे हम लोग, इतना हम लोग को पता चल गया, अब हम लोग क्या, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, ये एक वैज्ञानिक थे, एम जे स्लाइडेन एक वैज्ञानिक थे, यह जर्मन वनस्पति के विशेषज्ञ थे। इन्होंने क्या, सर्वप्रथम कई प्रकार के पादपों पर सन 1838 में अध्ययन किया, और इस बात को बताया कि सभी प्रकार की वनस्पतियों का शरीर कोशिका तथा कोशिका से बनने वाले ऊतकों से बना होता है। देखिए, जो हमारा हमारी मतलब जो क्या, हमारी जो वनस्पतियों का शरीर होता है, यह क्या, कोशिका, कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिका से ऊतक मिलकर बना होता है, यह कोशिका सिद्धांत में बताया, कौन बताया, एम जे स्लाइडेन ने बताया। फिर देखिए आगे, देखिए आगे, देखिए फिर इन्होंने क्या, 1839 में, 1839 में एक वैज्ञानिक क्या, थियोडोर स्वान 1839 में, यह ब्रिटिश के रहने वाले हैं, इन्होंने कई प्रकार के जंतुओं पर अध्ययन किया, और इस बात को बताया कि जंतुओं का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। जो ये थियोडोर स्वान ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जो हमारे मतलब जो जंतुओं पर अध्ययन किया, क्या, जंतुओं पर अध्ययन किया, और इन्होंने बताया कि जंतुओं का बाहरी आवरण जो है वह कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। अब देखिए आगे, थियोडोर स्वान ने वनस्पति के ऊपर अध्ययन किया, और बताया कि सभी प्रकार की वनस्पतियों का बाहरी आवरण, सभी प्रकार की वनस्पतियों का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति सेल वाल से मिलकर बना होता है। हमारे जो शरीर की मतलब सभी प्रकार की वनस्पति, सॉरी, सभी प्रकार की वनस्पतियों का बाहरी आवरण जो होता है वह कोशिका भित्ति या सेल वाल से मिलकर बना होता है। अब देखिए आगे, सभी प्रकार के सजीव, सजीव में पादप और जंतु दोनों आते हैं, सभी प्रकार के सजीव का शरीर कोशिका तथा कोशिका से बनने वाले ऊतकों से मिलकर बना होता है। सभी सजीव या पादप तथा जंतु का जो शरीर होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखिए आगे, और देखिए वनस्पतियों के शरीर का बाहरी आवरण जो होता है वह कोशिका भित्ति सेल वाल से बना होता है, तथा जंतुओं के शरीर का बाहरी आवरण
कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। अब देखिए कोशिका सिद्धांत की कमियां क्या थी, कोशिका सिद्धांत की कमियों को हम लोग देखिए पढ़ते हैं। देखिए कोशिका सिद्धांत की कमियां, कोशिका सिद्धांत इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि कोशिका सिद्धांत जो है इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। जो कोशिका सिद्धांत हमारा इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि कोशिका सिद्धांत जो है वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। आज हम लोग इतना पढ़ लिए और अगली क्लास में हम आपको आगे इससे पढ़ाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर करिए। ओके, जय हिंद।